तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम निकल चुके हैं यहाँ से गुच्छू पानी के लिए। गुच्छू पानी हमारे होटल से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। बस पहाड़ों का कुछ कह नहीं सकते कि पहाड़ों पर टाइम का पता ही चलता नहीं। और उसके साथ अगर मैं बताऊँ तो यार यहाँ के भी नज़ारे एकदम ज़बरदस्त है, और जहाँ हम जा रहे वो तो है ही खूबसूरत। तो चलो फिर आपको दिखाते आगे का सीन। तो भी जाम लगता है देहरादून में एकदम। जब देहरादून के अंदर एंट्री मारोगे ना तो भाई सेम दिल्ली वाली फीलिंग आती है। ऐसा लगता ही नहीं है तुम दिल्ली से बाहर आए। तो भाई साहब ये बड़े वाले रेड लाइट से हमें राइट लेना। अच्छा, आगे जाने का ऑप्शन ही नहीं है। तुमने सीधे अगर राइट जाना तो फिर राइट ही जाना। यहाँ पर ये सिस्टम रहा हुआ है। और ये सीधे जाके आगे कह रहे हैं टैंक रोड जाना। टैंक रोड से फिर आगे जाके मिलेगा रास्ता। तो भाई लोग ये रही और वो एंट्री गेट देख सकते हो, जानवर सा बना हुआ है। बाइक कहीं भी लगा दो, उधर पार्किंग है, इधर पार्किंग है, जहाँ बार मर्जी है वहाँ लगा दो। अपनी हॉर्न को यहीं पार्क करते, धूप में थोड़ा सूख उग जाएगा। ओह भाई, नदी के दर्शन होगा। तो फाइनली देखो हमारी टिकट आ गई है, 35 रुपये एक बंदे की टिकट है, और 4 साल के नीचे एक बंदे की टिकट ले रखी। अभी ये एंट्री गेट है, आप देख लो बाइक वाइक की पार्किंग फ्री है। तो चलो फिर हम भाई लोग एंट्री करते हैं। अभी आवाज़ तो ये सुनाई दे रहा है। आपके पास रहेगा? तो अभी हम अंदर आ चुके हैं, और भाई कल से जो नज़ारा देख रहे हैं हम पानी के झरनों का, वो यहाँ पर भी आ रहा है। 5 बजे का टाइम है हमारे पास। लेट हो गया थोड़ा यार, है कि लेट ही उठा था मैं 5 बजे सुबह उठा था। फिर मैं सोचा थोड़ी देर 1-2 घंटे के लिए सो जाते हैं फिर उठ जाएंगे, पर 11 बजे उठा जाके। अभी आते आते देखो कितना टाइम लग गया मुझे यहाँ पे। भाई साहब 12:52 हो रहे, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद पहुँचाओ यहाँ पे। 4 घंटे है हमारे पास, घूम सकते 4 घंटे के अंदर। तो भाई साहब देखो मौसम, देखो अभी काले बादल आ रखे हैं, पर क्या है गर्मी लग रही है, समझ लो धूप है। धूप ही ने बस बादलों को घेर रखा है, पर अभी गर्म हवा चल रहा है यहाँ पे। और ये चारों तरफ अगर दिखाऊँ तो भाई हम जंगल में आ चुके हैं। अंदर खाने पीने सारे चीज़ का व्यवस्था हो रखा है, खाओ पियो घूमो बेद में जाना जाओ। और अभी तो हम भी जा रहे हैं, और इस नदी बह रही ना बस, फिलहाल आगे तक चलते हैं। और यहाँ रेस्टोरेंट है, पानी बोतल लेना है। और यहाँ पूरे पानी में उतरना पड़ेगा, और अंदर जाके ज़्यादा पानी है। ये यहाँ से ये एंट्री पॉइंट है। पानी की बहाव देखो तेज है, पानी की बहाव बहुत भारी लगते हैं इंसान। और ये एंट्री
ये दीवारें देख रहे हो, पर ये पानी के जो बहाव से कैसा बन चुका है। जैसे यहाँ देख सकते हो आगे यहाँ पे लिखा हुआ देखो रोमांचक एरिया, मतलब आगे जाके बहुत ही ज़्यादा स्पीड होने वाला है। ये आगे जाके लिखा जैसे एरो के निशान देखो, इसके अगर फॉलो करते हुए जाओगे तो ये भी था कैंटिंग वेंटिंग आगे। रात भी खत्म हो गई तो अब कुछ गुफा दिख रहा है, उसके होते हुए फिर उधर जाना है। और ये रहा वाटरफॉल जिसके अंदर अभी हम नीचे थे, यहाँ पे यहाँ से ऊपर सकते हैं।
आगे से गार्ड आया, आगे से गार्ड कह रहे हैं भाई अभी चलो सब तो खाली करो, पूरा खाली। अभी देख पानी का लेवल बढ़ रहा है इसके वजह से खाली करवा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ आने के संख्या से बारिश को पता ही, बारिश का सीजन हो गया होगा और इसके वजह से खाली कर रहे हैं। मेरा मन था आगे तक जाने का, पर आगे नहीं जा सकते क्योंकि बाढ़ की वजह से जान में खतरा हो सकता है और पानी बहुत, तो भाई पहले से तेज़ था, अभी और भी तेज़ हो सकता है। चलो बाहर वेट इंतजार करते हैं कि भाई और तेज़ होता नहीं होता, कि गार्ड तो भाई भगा रहे, क्योंकि भाई देखिए पूरी खाली हो गई है। हम ये सिंधा ये सिंधा आगे आगे तक जाकर जहाँ से वाटर खोला वहाँ पर ऐसे दो लोगों को लगता है कि भाई आगे जाने का रास्ता नहीं है, पर आगे जाने का रास्ता है, वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आप ऐसे सर्च करके आगे जाकर कैंटीन आप वहाँ तक जा सकते हो। तो मैं आगे निकल चुका था, तो गार्ड वहाँ सारे तो करे भाई चलो चलो चलो, पीछे से पानी को बहुत तेज़ हो रहा और पानी तो ज़्यादा पानी आ रही है, बाढ़ आने की आशंका हो सकती है, इसीलिए मैंने चलो यार निकलते काम काम कुछ हो जाए। बाकी वीडियो तो बन ही चुका आप लोग देखने के लिए, इसी वजह से शुरू से ही पानी जा रहा है यहाँ अभी, यहाँ तक अगर यहाँ पर ज़्यादा वो कह रहा है इसी वजह से यहाँ पानी जा रहा है। बाकी जगह तो घुटने से ऊपर है, फिर के घुटने से नीचे भी घुटने से ऊपर भी हमारे पास एक अल्टीमेट से मैं मतलब पहली बार ऐसा कुछ देखा था इस टाइप का है ना, वो भी इंडिया के अंदर, तो अच्छा तो लगेगा भाई। और मेरे लिए क्या है जैसे सूरज की रोशनी आ रही है तो भाई नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। हाँ ला रहे एक बंदे, एक दो बंदे उसको भी लेके आ गए, अब कोई नहीं है। तो क्या पानी का लेवल बढ़ रहा है क्या? अच्छा अंदर कितने लोग हैं अभी? बस ये दो हैं, वो भी आ गए, ये रहे आ गए, पानी बढ़ रहा है, कितनी आने गए हैं, पुलिस भी आ गए। बाल तो वैसे ही गीला हुआ भाई यार, मैं तो गीला नहीं हुआ पर झरने के पास जाके ना भाई गीले हो गए वो कुछ ज़्यादा। देखो आखिरी बंदे भी आ गए, दिख रहा है कैमरे में, ये आखिरी वाले बंदे भी आ गए। देख देखो पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, इसके वजह से भगाया गया हमें, और पानी का बहाव भी तेज़ हो गया है, बारिश ने काम खराब कर दिया तो थोड़ा पानी चौकलेट चौकलेट जैसा कलर ऐसा हो गया। जैसे आप देख लो सारे यहाँ से वाटर, मौसम अभी भी वैसे बारिश वाले हैं। तो बस अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, निकलना ही पड़ेगा क्योंकि यार पूरे गाँव में पानी देख सकते हो पूरा गंदा सा हो गया है, और आगे जाके लेवल भी जो पानी का ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया होगा, क्योंकि बिना इंक्रीज़ किए हुए मतलब बिना बारिश के इतना था, हम घुटनों तक घुटनों से ऊपर था पानी, और अभी बारिश इतनी तेज़ हुई है कि यार पानी अंदर पूरा भर चुका होगा, इसीलिए अच्छा हुआ उन्होंने बहा दिया, नहीं तो भाई कुछ भी हो सकता था किसी के साथ भी। तो जो यहाँ गार्ड है पुलिस वाले हैं उनको भाई बहुत बहुत शुक्रिया, उनको बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो भाई काम हो जाता हमारा और उनके भी समय बच चुके हैं। और भाई जितना ब्लॉग बनाना था मैं भी ब्लॉग बना ही लिया, मुझे और भी अंदर जाना था, मैं देखना चाहता था सबसे लास्ट में क्या मिलता है, पर नहीं जा पाए क्योंकि पता ही है सीज़न कैसा है, मौसम अभी भी देख रहा बादल अभी भी है बारिश वाला, कभी भी बारिश हो सकता है, और बूंदा बूंदी तो अभी हो ही रही है, और मैं पूरा गीला हो चुका हूँ तो भाई ठंड लग रही है। अभी होटल चलते हैं, अभी होटल जाने में भी अभी भाई 10 किलोमीटर है शायद यहाँ से ज़्यादा ही होगा, तो होटल जाने में भी टाइम ही लगेगा, और भगा भी नहीं सकते क्योंकि भाई अगर बारिश हो रही है और हवा चल रहा है तो इसकी वजह से भगाएंगे तो ठंड हमें ही लगने का है ना, तो ठंड तो अभी ही लग रही है मेरा भाई। चलते हैं फिर होटल चलते हैं यार, होटल चलते हैं मिलते हैं। देख रहे हो ये देहरादून, ये शहर है देहरादून में, इसमें बारिश ही नहीं हुई, वहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई कि भाई बाढ़ आ गया, वहाँ से बंदों को भगाना पड़ा, और यहाँ पे भाई लगता बूंदा बूंद गिरी है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, और वहाँ पे भाई पूरी हालत ख़राब हो रखी है और सारे बंदे गीले हो गए, और यहाँ पे सूखा पड़ा हुआ बस, आसमान काले हैं यहाँ, और भाई
आप पहाड़ों में जब भी ऊपर से नीचे जाते हो तो इस टाइप का एक्सपीरियंस मिलता है। गाड़ी अपने बाइक बंद करो, कार में मत करना प्लीज़, क्योंकि कार में पावर भी नहीं आता आजकल। तो गाइस व्यू देखो यहाँ से, क्या जबरदस्त व्यू आ रही है, जबरदस्त वाली व्यू आ रही है।